ये वही जहरीले बीज का पौधा है जिसे खाने से हरिद्वार में 4 बच्चों की मौत हो गई है। इन बीजों को पनवाड़ के बीज कहते हैं और इसे खाने से खानपुर वन क्षेत्र में रहने वाले वन गुजरों के बच्चों की मौत हुई है। इसके बाद अब इस इलाके में पनवाड़ की झाड़ियों को नष्ट करने का काम हो रहा है, जिसे लेकर प्रशासन भी इन परिवारों की मदद कर रहा है। अब तक बग्गावाला पुलिस और भगवानपुर LI यूनिट द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर गुजरों के डेरे के आसपास 30 से 40 बीघे जमीन में जगह जगह उगे पनवाड़ के पौधों को काटकर जलाया गया है। साथ ही गुजरों को और उनके बच्चों को पनवाड़ के पौधों के बारे में और उनके बीजों के बारे में जानकारी दी गई है। सूचना चूंकि गांव वालों से नहीं पता चली थी, बहुत देर रात्रि में सूचना पुलिस तक पहुंची थी और प्रशासन तक पहुंची थी, तब तक बच्चों का क्रिमिशन हो चुका था। समस्त जानकारी जब मौके पर पुलिस को भेजकर की गई, प्रशासन के लोग गए तो पता चला एक पनवाड़ है, उसके बीच जो जहरीले हो जाते हैं उसको बच्चों ने खेलने में अपने खा लिया, जिनको जानकारी नहीं थी, न ही वहां क्षेत्र में जानकारी थी, जिसमें 2 लोग की मृत्यु हो गई थी, 2 लोग को एडमिट कराया गया था, जिसका एक बच्चे का इलाज के दौरान डेथ हो गई, एक का भी इलाज चल रहा है जो सीरियस हालत में है। ये सभी क्योंकि संवेदनशील प्रकरण था और वन गुजरों के वहां पर तुमको ज्यादा जानकारी नहीं थी, इस कारण से जो है वहां पर पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम, फॉरेस्ट की टीम संयुक्त रूप से 2 दिन से वहां पर अवेयरनेस भी करी, वहां ऐसी जो झाड़ झंकार थी उसको जलाया और डिस्ट्रॉय भी किया गया, जिससे भविष्य में जो बच्चों को कहीं इस तरह से आकस्मिक मृत्यु न हो और कोई गलती न हो। साथ ही साथ वहां रहने वाले वन गुजरों को पुलिस के थाने चौकी के नंबर भी उपलब्ध कराए गए, जिससे कि अगर कोई समस्या आती है, कोई आकस्मिक मेडिकल की जरूरत पड़ती है तो वो तत्काल सूचना दे, जिससे इन परिस्थितियों में या कोई आकस्मिक मेडिकल जरूरत हो तो उस पर भी उनको अरेंजमेंट किया जा सके। अभी मौके पर जो है हमारे CO और इनको टीमों को लगाया गया है कि क्षेत्र में जागरूकता फैलाए, साथ ही साथ उनमें जो परिवारजनों को इस संबंध में जो जहरीली चीजें हैं इस संबंध में बताया जाए, आसपास के क्षेत्रों में बताया जाए और सबका एक रजिस्टर बनाया, कितने बच्चे हैं, कितने वहां परिवार रहते हैं, जिससे कि उनका भी संवाद पुलिस से निरंतर बना। आपको बताने की बग्गावाला क्षेत्र के जंगल में 2 परिवार गुजर डेरे में रहते हैं और इन जहरीले फलों को खाने वाले इन दोनों के ही बच्चे थे। शुक्रवार शाम जब बच्चों ने फलियां खाई तो उनकी तबीयत बिगड़ गई, फिर उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया और इलाज के दौरान सोमवार को 3 बच्चों की मौत हो गई थी और एक की मौत आज मंगलवार को हुई है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल की रिपोर्ट।